गाइज, ये ब्लॉग का 8वां पार्ट है जिसमें हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग को ग्रो कैसे करें और अच्छे अच्छे ट्रैफिक और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे किस तरीका से लाया जाता है ताकि आपका भी वेबसाइट ग्रो हो सके और ज़्यादा रेवेन्यू आप अर्न कर सकें। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो आगे के जो भी पार्ट था या पीछे हमने जो भी पार्ट बता दिए हैं उस वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप भी एक वेबसाइट बना सकें, मोनिटाइज कर सकें, उसे अच्छे थीम के साथ लोग दे सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यूअर आ सकें और आपके वेबसाइट को विजिट कर सकें। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर तरह से बताने वाले हैं कि वेबसाइट को किस तरह से ग्रो किया जाता है और अच्छे अच्छे व्यूअर और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आप अपने वेबसाइट पर किस तरीका से ला सकते हैं या फिर गूगल में किस तरह से टॉप 1 में या फिर रैंक कैसे करवा सकते हैं। दोस्तों, ब्लॉग लिखने का मतलब होता है एक न्यूज़पेपर। दोस्तों, न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं कि किसी कभी भी न्यूज़ बदल जाता है या फिर पर डे एक अच्छा या फिर अलग अलग तरह का न्यूज़ आता है। कोई भी एक न्यूज़ नहीं टिका रहता है सालों सालों तक या फिर महीने महीने तक। इसी तरह से एक वेबसाइट होता है या फिर ब्लॉग होता है, उसमें जब भी एक नया अपडेट आता है तब नया अपडेट उसमें आप आर्टिकल के माध्यम से लिखिए। जैसे कि आप अगर मोबाइल के बारे में लिख रहे हैं तो मोबाइल नए मोबाइल आते हैं उसके बारे में लिखिए, या फिर आप न्यूज़ के बारे में लिख अपने वेबसाइट पर बताते हैं तो न्यूज़ के बारे में बताइए, या फिर YouTube से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड जो भी आप बताते हैं, हर दिन एक नए एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू कीजिए और वहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से अपने व्यूअर तक पहुँचाइए। तो इस तरह से आपके ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल हो जाएगा आपके वेबसाइट पे, और जब भी कोई गूगल पे कोई सर्च करेगा कि किस तरह से ऑनलाइन अर्निंग करें या फिर कोई नया अपडेट क्या है या फिर न्यूज़ क्या चल रहा है या फिर देश के अंदर क्या क्या नए पॉलिटिक्स जो नए अपडेट आ रहे हैं या फिर साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट में, इतने सारे अपडेट अगर आप अपने चैनल पे हमेशा अपडेट करते रहेंगे, हमेशा एक नए ब्लॉग और अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ अगर आप आते हैं और हर एक चीज़ को कवर करते हैं अपने वेबसाइट के माध्यम से, तो हो सकता है आपके वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आने के कारण आपका अर्निंग भी हाई हो जाएगा। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसलिए आपको अपनी वेबसाइट पे एक्टिव रहना होगा और नए अपडेट के साथ आपके व्यूअर के साथ कनेक्शन बनाना होगा। तो इस तरीका से अपने ट्रैफिक को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, गूगल में टॉप 1 पे भी आ सकते हैं। तो यही था कुछ अपने वेबसाइट को ग्रो करने का तरीका और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक और रेवेन्यू कमाने का तरीका। इस तरीका को अगर आप अपनाते हैं तो आपका वेबसाइट जरूर से जरूर ग्रो करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए उनके साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।